के दिनों में केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है, लेकिन इस बजट के बाद सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार को लेकर विशेष दर्जे की मांग करने वाले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कई बंपर योजनाएं देने की घोषणा की है, वहीं इन सब कयासों से अब यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। यह सवाल सियासी गलियारों में उठने लगा है। इसकी वजह है कि बिहार को मौजूदा प्रावधानों में विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। इसके बाद अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। केंद्र की एनडीए सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और एनडीए सरकार से भी जेडीयू समर्थन वापस ले। कांग्रेस की सलाह पर बिहार में सियासी तूफान उठ गया है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ इसीलिए गए थे कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होगा और राज्य का चहुमुखी विकास होगा। सदन में केंद्र सरकार की ओर से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से इनकार किए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना है कि क्या वे केंद्र की एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेंगे या बिहार के 9 बार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार सीएम के पद से इस्तीफा देंगे। आगे अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक लोभ में कब तक सत्ता के लिए भाजपा और एनडीए का साथ देकर बिहार के विकास की गति को अवरुद्ध करते रहेंगे। समय रहते उन्हें एक स्वस्थ और विकासवादी राजनीतिक विकल्प की तलाश करनी चाहिए जिससे राज्य का चहुमुखी विकास संभव हो सके और बिहार का पिछड़ापन दूर हो सके। नीतीश कुमार को अब नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने की हिम्मत दिखानी चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस की सलाह के बाद क्या एक बार फिर बिहार में सियासी बवाल सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा करता है या फिर कुछ नए समीकरण बिहार में बनते हुए दिखाई देते हैं।